हम बनाएंगे मंचूरियन, मैगी मंचूरियन बॉल्स। तो उसके लिए हमने ये दो पीस लिए हैं मैगी के, नूडल्स के। हमें इसमें डालना है 1.5 कप पानी। तो 1 कप पानी मैंने ये डाल दिया है और 1/2 कप पानी हम और डाल देंगे। आप गिलास से भी लें तो गिलास का भी यही मेजरमेंट रहेगा कि 1.5 गिलास हमें पानी डालना है। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है, ना टेस्ट मेकर डालना है, ना कुछ। ये उबलने लगेगा, उसके बाद हम, पानी गर्म हो गया है तो हाई फ्लेम पर हम इसे उबालने देंगे 2 मिनट के लिए। और इसमें हमने ये 2 बॉक्स डाल दिए हैं, बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इसे हम स्लो नहीं करेंगे, इन्हें हम एक बार ऐसे पलट देंगे, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको हम ऐसे हिलाते हुए बराबर से ये पक जाएं, कहीं कम ज़्यादा ना रहे। और बस देखिए पूरी खुल गई है जल्दी। इनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपको कोई भी नाश्ता बनाना हो तो ये सबसे सरल और सबसे अच्छा बच्चों का ही फेवरेट नाश्ता है। देखिए ये पक चुका है, तैयार हो गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडी हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में, तो इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और चावल का आटा, इसे भी 2 चम्मच डालेंगे। ऑप्शनल है, यदि आपके पास ना हो तो आप इसे ना डालें। तो लीजिए चावल का आटा डाल दिया है, कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई बारीक, 1 हरी मिर्च, और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और ये टेस्ट बॉक्स डाल देंगे, मेकर डाल देंगे। इसके बिना तो मैगी का स्वाद अधूरा ही रहता है। और हम डालेंगे शेजवान सॉस 1 चम्मच, ऑप्शनल है। यदि आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें लाल मिर्ची डाल दें और इसे हम करेंगे मिक्स। इसे अब हम अच्छे से हाथ से मिक्स करते हैं। देखिए तो ये मैंने तैयार कर लिया है। नमक आपको टेस्ट कर लें, एक बार कम हो तो आप डालें। और क्योंकि इसमें जो मैगी के पाउच होते हैं उनमें भी नमक होता है, और हमने शेजवान सॉस डाला है उसमें भी नमक है, चटनी डाली उसमें भी नमक, तो मैंने 2 पिंच में नमक अभी अभी आपके सामने डाला है। अब इसे हम मिक्स करके और इसकी हम बनाएंगे बॉल्स। यदि आपको ये लगे टाइट या सूखा तो आप हाथ में थोड़ा सा पानी लेके और इसकी बॉल बना सकते हैं। देखिए ऐसे पानी ले लें हैं और इसकी बॉल आप मीडियम साइज की बना लें। देखिए मैं बाकी भी इसी तरह से बना लूँगी। ये लिया है तो अब ये मैगी बॉल्स बनानी है, तो हम बॉल थोड़ी छोटी बना लें। यह आपको जैसी भी पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और आपको ये ड्राई लगे तो हाथ में थोड़ा सा पानी लेके आप इसे बना लें। देखिए मैं बाकी भी बॉल इसी तरह से बना लूँगी। देखिए मैंने ये पूरे बना लिए हैं, छोटी साइज के बनाए हैं। इसे हम अप्पे मेकर में बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ी छोटी साइज़ की बनाई है। आप बड़ी साइज की बनाना चाहते हो तो आप बड़े बना लें। ये बना के रखे हैं तो हम अप्पे पैन में सेकेंगे। इसमें क्या करते हैं, ज़रा ज़रा से ऑयल डाल देंगे। लीजिए डाल दिया मैंने। अब हम एक एक बॉल्स इसमें रख देंगे। और मीडियम इसे हम सेक लेंगे इसी तरह से, 2 से 3 मिनट लगेंगे सेकने में। देखिए कलर इनका चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इन्हें पलट देते हैं। देखिए इतना अच्छा कलर आया है, तो सारे के सारे हम पलट देंगे। आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और 1 चम्मच वाले में बनाना हो तो आप अप्पे पैन में भी बना सकते हैं। मैगी मंचूरियन बॉल्स, देखिए मैंने ये पलट दिया।
अब इस साइड से भी हम सीख लेते हैं। देखिए अच्छे से सीख चुके हैं चारों तरफ से बढ़िया से, देखिए हल्के भी हो गए हैं बढ़िया। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, बंद हो गई है और इनको हमें प्लेट में हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच तेल। तेल डाल दिया, अब तेल के गरम होते ही इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हरी मिर्च, और देख एक कड़क रही हरी मिर्च, तो इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज। और मेरे पास एक शिमला मिर्च थी कुछ ऐसी छोटी सी जो हल्का से इसका कलर चेंज हो गया, तो मैंने इसे भी काट लिया है। और एक थी पूरी हरी, आपके पास जो भी सब्जी हो जैसी शिमला मिर्च एक हो हरी हो या लाल पीली पीला हो हरी, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटी थी उसका कलर चेंज हुआ पकने वाली थी, तो मैंने वो ले ली और ये हरी वाली। अब इस सब्जी को हम अच्छे से पकाते हैं। हमें इन्हें 60% क्रंची रखना है, तो अब वैसे ही हो गई है देखिए। अब हम क्या करते हैं इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा मसाला जो हमारे पास मसालेदाने में होता है, तो 2 से 3 पिंच डाल दिए मैंने हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक भी आप थोड़ा सा डाल दें, ध्यान से डालें ताकि बाकी सॉसेस में भी नमक होता है, तो इसलिए हमें नमक कम ही डालना चाहिए। 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो किए हैं। और अब 1 चम्मच डाल देंगे हम वाइट विनेगर, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है देखिए, तो मैं अब इसमें नहीं डालूँगी, मैंने डाल थोड़ा गिर गया ज़्यादा इसलिए इसको मैंने वापस कर लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें शेजवान सॉस 1 चम्मच, अब 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम टमाटो केचप, अब हम सभी मसालों को करेंगे मिक्स। मिक्स कर दिया है और मसाले हमारे पूरी सब्जी जो भी देगी थी हमारी देखिए इतनी अच्छी तरह से ही पक चुकी है। हमने लिया है 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर और इसे हम मिक्स कर देंगे। और इसको भी डाल देंगे, इसके डालते ही ये मसाला हमारा थिक होने लगेगा। अब इसे पहले हम थोड़ा सा पका लेंगे, प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में। और मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचे, ताकि आप न्यू न्यू रेसिपी का लुत्फ़ उठा सकें। अब ये गाढ़ा हो गया है मसाला क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, देखिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है और इसे हम मिक्स कर देते हैं। बस इसे हमें 1/2 मिनट के लिए ही इसे पानी को जो पानी डाला 1/2 मिनट के लिए उबालना है ताकि अच्छे से पक जाए। तो आप अपने स्वाद के अनुसार और ध्यान से डालें क्योंकि सॉसेस डाले हैं ना उनमें भी नमक लीजिए, तो मैंने इसे सिर्फ 1/2 मिनट ही उबाला, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है थिक हो गया है। अब आप लेंगे ये बॉल्स, जो आपकी बॉल्स हैं तो इनको अभी आपको सर्व करना है तो आप अभी तुरंत इसमें डाल लें, यदि आपको देर में सर्व करना है तो आप तभी डालें नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम बंद कर देते हैं। आपको ये बॉल्स शॉप में अभी डालनी है तो अभी आपको डालनी है, यदि आप अभी सर्व करना चाहते हैं तो अभी डाल दें, यदि आप देर में सर्व करना चाहते हैं तो इसे देर में डालें नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे देखिए। और
ये है हमारी प्लेन, जिसमें मैंने मैगी नूडल्स का जो चूरमा होता है वो नहीं लगाया, बाकी में लगाया। तो हम डाल देंगे बॉस, क्योंकि अभी हमें सर्व करना है, बाकी हम छोड़ देंगे, हमें बाद में सर्व करनी है, अभी नहीं करनी है। अभी बस इतने ही हम रखेंगे और इनको हम करते हैं सर्व। एक बाउल लिया है तो इसमें हम सर्व करेंगे। नमस्कार, सावित्री की रसोई में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावित्री की रसोई में आज बनेंगी मैगी बॉल्स, मैगी मंचूरियन बॉल्स। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करें और आप कमेंट करें। तो चलिए आज हम बनाएंगे सभी की पसंद की मैगी मंचूरियन बॉल्स। देखिए तो ये खाने के लिए रेडी है, ये सॉफ्ट भी है, हम आपको काट के दिखाते हैं। देख मैंने इनको तुरंत ही डाला है और देख तैयार भी, बच्चों की पसंद का ये नाश्ता तैयार हो गया। और ऐसा है, आप एक बार बना कर रख लीजिए और जब भी आपका मन करे सॉस में डिप कीजिए और आप इन्हें खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।